वेलकम बैक एवरीवन एंड जय हिंद फ्रॉम आलस्य सोलंकी एंड फोर्स डिफेंस एकेडमी। एज यू ऑल नो, रेगुलरली लेक्चर एट और जीडी के टॉपिक्स के जो है वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। दीज वीडियोस आर एंटायरली फॉर यू एज पर द सिलेबस जो कि पूछा जा सकता है। टोटल चांसेस हैं, करंट इवेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सारे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और आज जो है मैं लेके आई हूँ समिट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, समिट फॉर डेमोक्रेसी मतलब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, उन्होंने जो है एक समिट ऑर्गेनाइज करी थी जो कि वर्चुअल थी। ठीक है, इट इंक्लूडेड द कंट्रीज और जो मेन मोटिव था उसका था टू प्रमोट डेमोक्रेसी। ओके, हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, ग्लोब है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे टाइप की गवर्नमेंट रहती है, एनार्की रहती है, डेमोक्रेसी रहती है, डिक्टेटरशिप रहती है, मोनार्की रहती है। तो हमने जो है उस समिट में पार्टिसिपेट किया था, विच वॉज डन बाय जो बिडेन, यूएसएस प्रेसिडेंट फॉर डेमोक्रेसी। ओके, तो ऑन डिसम्बर 9 and 10, 2021 जो बिडेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड अ वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रॉड। ठीक है, अब आ जाओ क्या क्या पॉइंट्स बोले गए थे। US President has invited 110 nations for summit of democracy. कितने nations आए थे? 110. The discussion in the virtual summit was on defending against authoritarianism, fighting corruption and promoting human rights. So, देखो democracy है मतलब human rights है। अगर democracy की बात चल रही है मतलब human rights promotion is must, उसकी तो बात आएगी ही। Next, several countries are witnessing the deterioration of democracy. So, the summit is conducted at the right time. It created a platform to discuss and learn from each other. अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था अफगानिस्तान तालिबान के बारे में, तो वहाँ भी क्या हुआ, डेमोक्रेसी ओवरथ्रो हो गई और अब तालिबान ने अपना जो है कंट्रोल जमा लिया है, ओवर पावर कर लिया है। तो बहुत सारी कंट्रीज में अब धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी इज डाइंग। ठीक है, तो पीपल नीड समवन कि वो उनका फेथ डेमोक्रेसी में रिस्टोर करवा सके, इसलिए समिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एकदम सही टाइम पर लिया गया था। क्लाइमेट चेंज, द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वर ऑल्सो डिस्कस। और क्या क्या डिस्कस हुआ था? क्लाइमेट चेंज डिस्कस हुआ था, हमारा COVID-19 का इम्पैक्ट डिस्कस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्कस हुआ था। सम टेक कंपनीज आर नाउ एज पावरफुल एज गवर्नमेंट, सो डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑल्सो डिस्कस्ड। अ फ्यू गवर्नमेंट्स आर मिस यूजिंग टेक कंपनीज फॉर मास सर्वेलेंस प्रोग्राम्स। देखो बहुत बार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली पॉइंट किया गया है चाइना की तरफ। चाइना जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि यूएसए में एक थोड़ा सा इनविजिबल ऐसा बलून टाइप जो पाया गया था, सैटेलाइट जो था, जो सर्विलेंस कर रहा था पूरे उनके एरिया पे। कौन सा एरिया था? जहाँ पे ज़्यादा आर्म्स और एम्यूनिशंस रखे जाते हैं, वो वाला एरिया था वो। ठीक है, तो जो बिडेन इज थिंकिंग टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट चाइना, चाइना की थी वो। तो चाइना ने जो है, जो हमने साइबर वॉरफेयर भी देखा था, तो वो भी चाइना ने ही, ऐसा इट इज़ बिलीव टू बी कंडक्टेड बाय चाइना ओनली। तो चाइना जो है बहुत ज़्यादा ये सब इंटरफेरेंस दिखा रही है हर कंट्री में, टेक कंपनीज़ को इन्वॉल्व करके सारी कंट्रीज़ में जो है बहुत ज़्यादा उनका डेटा चुराती है एंड साइबर वॉर करती है। तो दिस वॉज फॉर चाइना। नाउ मूविंग ऑन, यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड दिस समिट टू रिक्लेम इट्स स्टेटस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यूएसए ने अपना खुद का स्टेटस भी रिक्लेम करने के लिए किया था। समिट अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म ऑन इनविटीज लिस्ट बिकॉज द यूएस डिड नॉट इन्वाइट सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग सिंगापुर, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, रशिया, चाइना एंड सेवरल अफ्रीकन नेशंस। 195 कंट्रीज आर रिकग्नाइज बाई यू एन, अमंग दैम ओनली 110 वर इन्वाइटेड। ऑल राइट गाइज, नाउ वट हैपन्ड, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, क्यों? क्योंकि सिर्फ 110 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया गया था जबकि 195 कंट्रीज़ को यू एन से रिकग्निशन मिला है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, बिल्कुल चाइना क्यों रहेगी, चाइना जो है वन पार्टी रूलर है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है और ये सबमिट ही था चाइना के अगेंस्ट थोड़ा सा। रशिया विल ऑल्सो नॉट बी इन्वाइटेड, वाई? बिकॉज यू एस ए एंड रशिया आर एंटायरली इन अपोजिट्स, इन कॉन्ट्राडिक्शन, दे आर काइंड ऑफ एनिमीज टू इच अदर। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो इन्वाइट नहीं की गई बिकॉज आइदर दे डोंट फॉलो डेमोक्रेसी और सम अदर रीजन। नाउ इट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर इन्वाइटिंग अ फ्यू कंट्रीज दैट डो नॉट क्वालिफाई, लेकिन उसने कुछ कंट्रीज को जो है इन्वाइट कर दिया था जो क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, जैसे फिलीपींस इज बींग प्रोव्ड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फिलीपींस जो है इंटरनेशनल जो है कोर्ट में अभी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स के लिए चार्ज्ड है, लेकिन तब भी फिलीपींस को बुला लिया था, है ना? दिस वॉज नॉट राइट। इफ़ यू आर डिस्कसिंग ह्यूमन राइट्स एंड यू आर लिटरली इन्वाइटिंग अ कंट्री दैट इज इन्वॉल्व इन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दैट वॉज नॉट राइट। ऑल राइट, बट इट वॉज इन्वाइटेड टू द समिट। ऑल राइट,
Only a few countries admitted the shortcomings in their own democracy, but the remaining countries, including US, which contacted the summit, did not. ठीक है, मतलब क्या है इसका? बहुत ही कम कंट्रीज, इट इज फॉर नेचुरल, बहुत ही कम कंट्रीज होती हैं जो खुद के फ्लॉज एक्सेप्ट करती हैं. इवन इन दिस समिट, आउट ऑफ 110 कंट्रीज, ओनली फ्यू कंट्रीज जो है उन्होंने ही अपनी डेमोक्रेसी के फ्लॉज बताए कि हमारी कंट्री में ये फ्लॉज आर बींग फेस ड्यू टू डेमोक्रेसी. लेकिन बची हुई कंट्रीज ने किसी ने जो है सब ने साइलेंट रहा, किसी ने अपने फ्लॉज को डिस्कस भी नहीं किया. ओके, ऑल ट्राइड टू अपियर परफेक्ट इन दैट समिट. अब इसका कंक्लूजन क्या है? Discussions on democracy help countries in detecting their own flaws and learn from each other. ठीक है, but the summit for democracy attracted criticism for not inviting a few countries. However, summit for democracy can be stated as the right step to strengthen democracy worldwide. It is very much needed because several countries are witnessing democracy backsliding. तो इनिशियली जो है थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रोवर्सी फेस करना पड़ी बिकॉज ऑफ द इनविटीज, 110 कंट्रीज, 195 कंट्री एंड फिलीपींस. बट उसके अलावा जो सबमिट की गई थी, इट वॉज परफेक्ट रिगार्डिंग द टाइमिंग. वाई? बिकॉज पीपल आर फेसिंग डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग. इसका मतलब क्या है? बहुत सारी कंट्रीज में जो है डेमोक्रेसी जो है शिफ्ट हो रही है और कोई और उनको ओवर पावर कर रहा है, जो मिलिट्री रूल आ रहा है या डिक्टेटरशिप आ रहा है. ओके, तो दैट इज़ वाई दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज, COVID-19 इम्पैक्ट एंड मैनी थिंग्स वर डिस्कस्ड हियर. दैट्स वाई दिस समिट वॉज एंटायरली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज सक्सेसफुल एज वेल, अगर थोड़े से हम कॉन्ट्रोवर्सी को हटा दें. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग अ टॉपिक जो कि द समिट फॉर डेमोक्रेसी. नाउ स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद फॉर मैनी मोर लेक्चरेट एंड जीडी टॉपिक्स. थैंक यू.